नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। मुरैना, बुधवार को वन विभाग के CCF शश मलिक मुरैना दौरे पर आए। इस दौरान वन विभाग के कई रिटायर कर्मचारी DFO ऑफिस पहुंच गए और पेंशन नहीं मिलने की शिकायत करते हुए DFO अमित निगम पर कई गंभीर आरोप लगाए। रिटायर कर्मचारी कृष्ण मुरारी शर्मा, सुखदेव बाबू अरोरा, राजेंद्र कटारे, रामहित जाटव, ओम प्रकाश शांडिल्य आदि ने कहा कि जब से DFO निगम आए हैं तब से 30 कर्मचारी रिटायर हुए हैं, इनमें से एक की भी पेंशन नहीं मिली। 18 जून को रिटायर कर्मी ओम प्रकाश शांडिल्य की मौत भी DFO की मनमानी के कारण हो गई। रिटायर लेखापाल रामनिवास डंडोतिया ने बताया कि वह बीते एक साल में पेंशन के लिए चक्कर काट रहे हैं, एक साल से पैसे को मोहताज हैं। घर चलाने के लिए लॉकडाउन में 4 महीने सब्जी का ठेला लगाकर परिवार का भरण पोषण किया है। रिटायर लेखापाल राजेंद्र कटारे ने कहा कि मेरा बेटा प्रमोद कटारे भी वन विभाग में है और देवरी सेंटर पर पदस्थ है। मैं पेंशन की मांग करता हूं तो DFO मेरे बेटे प्रमोद का ट्रांसफर करने की धमकी देते हैं। इस आरोप पर CCF मलिक ने कहा कि सभी कर्मचारियों को जल्द पेंशन का लाभ मिलेगा। मुरैना से मनोज उपाध्याय। वो पहले तो मुरैना ग्वालियर तक ही सीमित था, लेकिन अब धौलपुर के रास्ते से, मुरैना के लोग धौलपुर के रास्ते से आगरा और दिल्ली तक इसकी सीमा पर गई। इसको रोकने के लिए किस तरीके के प्रयास, आप लोग कुछ समाधान बता सकते हो? सारी चीजें सबको पता है, स्टाफ जाता है पिटता है, वर्दी फटती है, लोग हंसते भी हैं कि जंगल वाला पिट गया, हथियार स्टाफ के पास है नहीं, क्या अपेक्षा करते हो? सर, हम इतने बहादुर लोग नहीं के पिटते रहेंगे। जितने हमारे संसाधन है उसमें कार्यवाही कर ही रहे हैं लगातार। पिछले 2 महीने में 40+ गाड़ियां पकड़ी ही हैं, पकड़ते भी रहेंगे जितना हमारे बस में होगा। सर, एडियो श्रद्धा पांड्रे कार्रवाई कर भी रही है पेट्रोलियम के लिए, तो उनका डीजल कम कर दिया गया है, 100 लीटर ही दे दिया गया है, क्यों, क्या कारण है? इसका जवाब तो मैं दूंगा ना। डीजल 200 लीटर दे देते हैं, चलो ठीक है, कोई कारण नहीं होता किसी चीज का, बजट का कारण होता है सर। सर, वन विभाग के साथ साथ और भी जो विभाग हैं उनसे सामंजस्य बिठाकर बड़े स्तर पर कार्रवाई करने के लिए क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां हम मजबूर हो जाते हैं। अब कोशिश तो लगातार जा रही है, टास्क फोर्स भी बनी है, SP साहब, कलेक्टर साहब सबसे बातें होती तो है, DFO साहब लगे भी रहते हैं, ठीक है नहीं? पर यदि हम खाली वन बाग को कटघरे में खड़ा करें तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। सर, नगरा क्षेत्र में जो घटना हुई थी, जैसे आपके आप वन कर्मियों पर, एक आपके ड्राइवर का गाड़ी FIR हुई, तो उसको लेकर विभाग क्या एक्शन लेने वाला, मतलब किस टाइप की कार्यवाही? ना, FIR हुई है, जैसे वन कर्मियों पर आरोप लगे हैं, 302 की क्राइम हुई है, तो कोशिश में कि 302 हट जाए उनके ऊपर से, क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी करने गए थे। देखो, दो चीज़ है, आदमी या तो नौकरी करता है, और जो नौकरी करता है वो काम नहीं करता, काम वो करता है जो ड्यूटी करता है। तो लोग ड्यूटी कर रहे थे अपनी, और जब आदमी ड्यूटी करेगा उस पर आक्षेप भी लगेंगे, हमले भी होंगे, समस्याएं भी आएंगी, तो कई बार समस्याओं से हम घबरा जाते हैं, दब जाते हैं, कई बार हमारे अंदर नया उत्साह पैदा होता है। वो ड्यूटी करते टाइम उनके साथ ऐसी अनहोनी घटना हो गई, वो फंस गए बेचारे, तो अब ये तो चलती रहती है हमेशा, पहले भी होती रही है, आगे भी हो सकती है, पर यह कि विभाग तो पूरी कोशिश कर रहा है कि उनको निर्दोष